अच्छा, आपको कथक सीखना है उमा जी, ये सुझाव कह लें या ये सलाह कह लें या कुछ हद तक एक आदेश भी कह लें, ये तो नैना देवी जी ने आपसे कहा था, क्या कहानी है इसकी? नैना देवी जी ने, क्या हुआ था कि मैं जब कॉलेज पास किया तो कहते हैं कि ये सोच रही थी मैं कि मैं अब क्या करूं, पढ़ाई का शौक था नहीं, लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया और मुझे मिल भी गया था, मैंने सोचा मैं वकील बनूंगी, डॉक्टर वकील इन सब का मुझे शौक था, लेकिन डॉक्टर बन नहीं सकती क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरे नंबर नहीं आए थे, तो लॉ कॉलेज में मेरे को जगह मिल गई। लेकिन जब मैं वहाँ क्लास में गई तो मैंने देखा सारे लड़के और खाली मैं ही एक लड़की, तो मैं आके घर पे रोने लगी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ तो सारे लड़के ही लड़के हैं, मैं नहीं जाऊंगी। तो खैर उन्होंने फिर, कहते हैं ना कि वो याद आती हैं पंक्तियाँ कि मदिरालय जाने को घर से, चलता है पीने वाला किस पथ से, किस पथ से, किस पथ से, जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, ये मधुशाला के। तो मेरी हालत यही थी। इतने में नरेंद्र शर्मा जी उस वक्त मॉडर्न स्कूल में थे, वो तो वो आ गए। उससे पहले नैना देवी ने और एक उस वक्त प्रोग्राम ऑफिसर थे संगीत नाट्य अकेडमी में, केशव कोठारी जी, इन दोनों ने मिलकर मेरे को परसुएट किया कि तुम सीता का रोल तो कर ही रही हो भारतीय कला केंद्र की रामलीला में, अब जब तुम केंद्र में आ गई हो तो कथक क्यों नहीं ज्वाइन करती। और नैना देवी ने फिर मुझे कहा कि तुम अभिनय बड़ा अच्छा करोगी, तो फिर मैंने इन गुरुओं को ज्वाइन किया और कथक के डिपार्टमेंट में, जो बैले डिपार्टमेंट था वो बिरजू महाराज जी के अंडर था, वहाँ भी जाने लग गई क्योंकि मुझे वो लेते ही थे बैले में। तो ये सब मेरा केंद्र का चलता रहा और मैंने बहुत सीखा, बहुत मेहनत की, सात सात आठ आठ घंटे घुंघरू मेरे पाँव में बंधे रहते थे, घर आके रियाज करती थी, जो महाराज जी का अभिनय देखती थी शंभू महाराज जी का, तो उसको देखकर मैं कॉपी करने की कोशिश करती थी और हमेशा यही होता था दिमाग में, क्या मैं ऐसा अभिनय कर पाऊंगी। तो एक दिन क्लास में महाराज जी ने, शंभू महाराज जी ने ये कह दिया कि ये अभिनय दिखाएगी मेरी तरफ का। बचपन से मुझे मेरी आंखों में अभिनय, तो मुझे ख्याल है कि मैं जो भी आइटम करती थी वो फेशियल एक्सप्रेशन के कुदरती आता था, और जो अभिनय है वो कुदरती है, वो कुदरती आता है। तो ये सब मेरी केंद्र की जो जीवन था बहुत सुंदर गुजरा, बहुत टूरिंग की केंद्र के था। फिर एक समय ऐसा आया कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई एज अ सोलो आर्टिस्ट, 1967 में मुझे ट्रेड फेयर अथॉरिटी ने 6 महीने के लिए कनाडा इंडियन पेविलियन में भेज दिया, वहाँ उन्होंने स्टेज बनाया था, तो बिजाय एक्सेप्ट ऑन सैटरडे संडे, बाकी दिन मेरा 10 मिनट का एक आइटम हुआ करता था। मैंने अपने साथ 2 म्यूजिशंस लिए। फिर उसके बाद में मेरे सोलो टूर्स बहुत इधर हुए विदेश में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, अमेरिका तो हम केंद्र की तरफ से भी गए थे, काफ़ी जने 10 लोग थे हम, बिरजू महाराज जी और नैना देवी जी दोनों गए थे साथ में एज अ लीडर बन के। तो बड़ी याद आती हैं ये सब बातें। भारतीय कला केंद्र में अभिज्ञान शाकुंतलम में सीता के उनके रोल पर, जो वो अब भी याद करती हैं। और वैसे भी बिरजू महाराज जी को आप कैसे याद करती हैं? हाल ही में उनका निधन हुआ। मेरे गुरु ने ये कह रखा था कि जब तक हम ना कहें तुम परफॉर्म मत करना।
फिर केंद्र का अपना फंक्शन हुआ था, तो जहाँ पे मैंने शुरू से ही मेरा अभिनय की तरफ रुचि थी, और शंभू महाराज जी तो इसके लिए बड़े मशहूर थे कि गा के बैठ के भाव बताना। उसी समय वहाँ बिरजू महाराज जी भी थे, और बिरजू महाराज जी को बैले का पूरा इंचार्ज बना रखा था, वो बैले कोरियोग्राफ करते थे, क्लासेस भी लेते थे। तो मेरा सौभाग्य था कि पंडित बिरजू महाराज जी और गुरु सुंदर प्रसाद जी और शंभू महाराज जी, इन सब लोगों से मेरा बहुत संपर्क रहा, बहुत पुराना बचपन में। बल्कि बिरजू महाराज जी आए थे, क्योंकि मैं 10 वर्ष की थी तो मुझे कहीं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी YMCA में, तब का YMCA, उसमें बड़े फंक्शन हुआ करते थे, क्योंकि ऑडिटोरियम तो कोई था नहीं दिल्ली में, ये तो बाद में आए हैं। तो अब मैं फंस गई, मैं रोने लगी, क्योंकि गुरु गिरवर दयाल जी चले गए थे। तब मेरे पिताजी ढूंढ के उसी वक्त आए थे, बिरजू जी, बिरजू मोहन के नाम से मशहूर थे, तो बिरजू महाराज उसी वक्त आए थे दिल्ली, उनको लेकर आए कि देखो मैं बड़े उच्च कोटि के गुरु को लाया हूँ। उन्होंने मेरा आइटम बनवा दिया, और बल्कि मेरे साथ उन्होंने तबला भी बजाया, पढ़ंत भी की थी, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। फिर उनसे बड़ा संपर्क रहा, तो मैं बचपन से जानती थी बिरजू महाराज जी को। अब ये गुरु लोग तो अब चले गए, हाल ही में बिरजू मोहन के नाम से मशहूर थे ये, और बिरजू महाराज जी भी चले गए। बहुत दुख होता है कि एक एक करके मैंने सबको जाते हुए देख लिया। अब ये तो जीवन का आना जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, विधि के विधान को। उमा जी, आपने मतलब कथक में रास, ये जो हम बहुत प्रचलित टर्म जानते हैं, लेकिन उसको लेकर आने का श्रेय आपको दिया जाता है, इसको कैसे देखती हैं आप? अच्छे अच्छे लोगों से मेरी, स्कॉलरली लोगों से भेंट हुई, इसमें मैं श्रेय देती हूँ इन लोगों को जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, चाहे वो उर्दू था चाहे वो संस्कृत। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, इन्होंने राधा के ऊपर, और मैं वृंदावन गई, डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने कहा अरे उमा वृंदावन जाओ, जरा देखो रास को, और रास लीला टेंपल्स में होती है। तो मैं जाके धर्मशालाओं में रुकती थी, एक हफ्ते से ज्यादा रहने नहीं देते थे, फिर दूसरी धर्मशाला में जाती थी, यू करके, बिकॉज आई वॉज ओरिजिन जिन राजधानी से, वो सबसे टॉप के राजधारी थे, पंडित लाडली शरण जी, उनसे मैं मिली, बड़े मुश्किल से मिले। पहले तो ऊपर से अपने शागिर्द को भेजते रहे और कहते रहे उनसे पूछ के आओ कौन जात है, कौन गोत्र है, और मैं चली जाती थी वापस। फिर मैंने एक दिन उन्हें बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण परिवार से हूं, और मेरा गोत्र ये है। अच्छा, वही गोत्र उनका भी निकला, कौंडिल्य। तो पंडित जी बुढ़े थे काफी, ही मस्ट बी इन लेट 70s, 76-77 के होंगे। उतर के आए, मंदिर में रहते थे, फिर उन्होंने मुझे रास की शिक्षा देनी शुरू करी, और सारी पुस्तकें जब वो सिधार गए तो सारी पुस्तकों का डिब्बा, पूरा ट्रंक मेरे को उन्होंने सौंपा, ये मेरी बेटी के समान है, इसको दे दो, इसका अध्ययन और इसकी जो शौक है, इसका इसका जो एक प्रेम है साहित्य से, और ये रास मैंने सीखा। फिर रास इन रिलेशन विद कथक मैंने यहाँ वर्कशॉप किया दिल्ली में आकर, और उस वक्त मैं केंद्र में ही थी,
तो मेरे सब गुरु आए, तो मैं एक पद कर रही थी जो मैंने उन्हीं से सीखा था, वृंदावन की ये हरित भूमि मनमोहन परम सुहाई है, तेरे पद पद्म वार्तालाप बिटवीन राधा एंड कृष्ण, तेरे पद पद्म परसी अपनो सौभाग्य समझ गरवाई है, वृंदावन की ये हरित भूमि मनमोहन परम सुहाई है। इस तरीके से मैंने ब्रजराज को ले आई और उसकी एक फिर नृत्य नाटिका बनाई, रास के मूवमेंट्स लेकर, कथक को लेकर, महाराज लीला, जो आज तक ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना आई एम नॉट गोइंग टू बिरला मंदिर। बिरला मंदिर वालों ने मेरे लिए बाहर बगीचे में पीछे की तरफ जहां गुफाएं वगैरह हैं वहां मंच बना रखा है संगमरमर का, उसमें मैं हर वर्ष इस राज लीला की, महाराज लीला की प्रस्तुति करती हूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।